नमस्कार, मैं हूं मौली स्वामी और आप देख रहे हैं द भारत पोस्ट। कल 26 जनवरी को जहां एक तरफ पूरा देश गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में किसान के ट्रैक्टर सड़कों पर घूम रहे थे। कल जो लाल किले में हुआ उसका समर्थन कई लोग नहीं कर रहे हैं, पर यह सोचने वाली बात है कि आखिर वह क्या वजह है जिसके कारण एक शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसा के रूप में बदल गया। अगर सरकार चाहती तो किसानों के निर्धारित रूट की सड़कों को सुबह ही खाली करवाया जा सकता था। 11 दौर की बैठक के बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है और उसके बाद एक शांतिपूर्ण रैली में भी अड़ंगे लगाए जाते हैं, तो वही होना था जो कल हमने दिल्ली में देखा। दिल्ली के नांगलोई इलाके में खासकर सबसे ज्यादा हिंसा देखी गई। एक ओर किसान थे और दूसरी ओर पुलिस कर्मी और CRPF के जवान। जब प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस कर्मियों ने भारी मात्रा में लाठी चार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले भी दाग दिए। इसी बीच खबरों में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, दीप सिद्धू का। आखिर कौन है ये दीप सिद्धू जिसपे हिंसा को भड़काने के आरोप लग रहे हैं? बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के अध्यक्ष गुरुनाम सिंह ने भी दीप सिद्धू पर आरोप लगाया है और बताया है कि उन्होंने ही किसानों को भड़काया है और उन्हें मिसगाइड किया है। आपको याद होगा कि 25 सितंबर को कुछ सोशल एक्टिविस्ट और कलाकार किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए थे, उनमें से एक दीप सिद्धू भी थे। इसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने लगी जिसमें वो सनी देओल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, जिसके बाद उन पर आरोप लगने लगे कि वे RSS और भाजपा के सपोर्टर हैं। कुछ अखबारों के खबर के मुताबिक कल के इस हिंसक आंदोलन में प्रदर्शनकारियों में कुछ उग्रवादी तत्व भी शामिल थे। CNN ने अपनी खबर में यह बताया है कि संयुक्त किसान मोर्चे के बयान के हवाले से कहा गया है कि असामाजिक तत्वों ने प्रदर्शन के दौरान घुसपैठ की, वरना आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं हो रहा था। इस आग में घी डालने के लिए गोदी मीडिया ने कुछ ऐसी खबरें चलाई थी जो काफी निराशाजनक थी। बता दें कि जिस झंडे को खालिस्तानियों का झंडा बताया जा रहा था वो निशान साहिब का केसरी रंग का झंडा था। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, पर यह सोचने वाली बात है क्या इतनी आसानी से कोई भी समूह लाल किले के अंदर पहुंच सकता है? ये 4 से 5 लाख किसान जो पिछले 2 महीने से बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, क्या यह हिंसा वह पहले नहीं कर सकते थे? कल जो भी दिल्ली में हुआ वह एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ है, पर यह योजना किसानों के लिए नहीं बल्कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए द भारत पोस्ट।